आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सी एस श्रुति सिंघल जी, जीएसटी एक्सपर्ट हैं सी एस श्रुति सिंघल जी, और डायरेक्ट बात करती है हाई कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर, पूरा डिटेल में एनालिसिस करती है किसी भी चीज़ को। तो आज हमने अपने सब्सक्राइबर के भी आप पर आपको मैडम बुलाया है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि इस बार की जो जीएसटीआर 3B है लोगों को फाइल करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को आईटीसी लेने में आईटीसी रिवर्स करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। टेबल नंबर 4 में पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर आईटीसी लेना है, कहाँ पर रिवर्स करना है, 2B वाला लेना है, 2A वाला लेना है, और इसमें बड़े नोटिसेस भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को बताएं कि टेबल नंबर 4 को डिटेल में कैसे फाइल करें। जी प्लीज़। सीए कपिल जैन सर, आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे को इस मंच पे आमंत्रित किया और अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके व्यूअर्स को अपने स्टाइल में समझाने का एक मौका प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 4 के 4A से। आपका सिंपल सा पहले 4 चल रहा था कि आपको क्रेडिट लेना है नहीं लेना, आप 1, 2, 3, 4A 1, 2, 3, 4, 5 में आप बता देते थे, कुछ रिवर्सल करने आप बता देते थे 4B में कि भाई आपका 30 रूल 42 43 में ये रिवर्सल है और 17(5) में ये रिवर्सल है। इस सारी प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया जुलाई 22 में एक नोटिफिकेशन लेके आए 14/2022 CET और ये 5 जुलाई को लेके आए। साथ ही अगले दिन 6 जुलाई को एक सर्कुलर लेके आए और उस सर्कुलर नंबर 170 में उन्होंने कहा कि ये जो हम चेंजेस लेके आए हैं ये मैंडेटरी हैं, रिकमेंडेटरी नहीं है। तो जितने भी लोग अपनी GST की रिटर्न भर रहे हैं, प्लीज़ इनको पढ़ें और ध्यान से पढ़ के प्लीज़ सबमिट करें। सर्कुलर में जो बातें कही गई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कही गई थी, जिसको आज मैं सिंपली आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सिंपली क्या होता है कि आपका जो GSTR 4A है वो प्रीफिल्ड होता है मैक्सिमम। कैसे? 1 में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ये प्रीफिल्ड होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप अपने हाथ से लिख देते हैं जो कि आपने लिखा होता है ऑलरेडी, जिस पर आपने रिवर्स चार्ज पे किया होता है। 3rd नंबर पे जो इनवर्ड सप्लायर रिलेवेंट टू रिवर्स चार्ज है ये आप 3 नंबर कॉलम से उठा के यहाँ पे मैनुअली फिल कर देते हैं। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD ये भी अभी प्री फिल होने लग गया है। और मेजरली आपका जो GSTR 2B से जो आके ज़्यादा का ज़्यादा लोगों का क्रेडिट 5 नंबर पॉइंट में चलता है, जो कि है ऑल अदर ITC। ये आपका सीधा का सीधा ये 5 कॉलम आपके 2B से सीधे आपके GSTR 4 में ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। अब जब हम अपने आप से उसको प्लस माइनस कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट की जो भी कंप्लायंसेस है सेक्शन 16 में, रूल्स में, रूल 42 43 में, सेक्शन 17 पूरा बोले तो सेक्शन 17 में, जब हम ये अपने आप से कंप्लाई कर रहे थे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 2B से मैच कैसे करूँ उस डेटा को। गवर्नमेंट ने फॉर्म अमेंड किया, अब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आपका ये 2B से जो ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट है ये मैं यहाँ पे आपका पूरा डाल देता हूँ, अब आप इस क्रेडिट को मत छेड़ना, जिससे मुझे पता चल जाए कि इस क्रेडिट को आप कैसे कर रहे हो मैनेज और इसमें क्या आप हमें बोलना चाहते हो। तो आप जो भी बोलना चाह रहे हो वो आप फॉर्म में लिख के दो। अच्छा जी, कैसे लिख के दें? पहले आप ये डिटरमाइन करो कि ये जो आपका सारा क्रेडिट आ रहा है 4A में इसमें कितना एलिजिबल है और कितना इनएलिजिबल है। ठीक है, आपका जो इनएलिजिबल पोर्शन है उसमें आप फर्दर डिटरमाइन करो कितना टेम्पररी है और कितना परमानेंट है। मतलब परमानेंट इनएलिजिबल कौन सा हो गया? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला, रूल 42 रूल 43 वाला, रूल 38 वाला। एक एक करके मैं जल्दी से बता दूँ, 17(5) में क्या है, ब्लॉक क्रेडिट की बात की गई है कि जिस क्रेडिट को आपको जो क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं है। 42-43 में कि अगर आपकी जो सर्विसेज जो आप सप्लाई कर रहे हो या गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो दोनों टैक्सेबल भी हैं और एग्जेम भी हैं, तो उसमें आपको रूल 42 में बताना होता है कि कितना तो आपका पोर्शन है रिलेटिंग ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस रिलेटिंग टू एग्जेम सप्लाई, और 43 में बताना होता है कितना कैपिटल गुड्स है जो रिलेट करता है एग्जेम सप्लायर से। फिर अगर हम रूल 38 की बात करें तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को
रिवर्सल की बात करता है कि आपका कितना इनपुट रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एग्जाम सप्लाईज है ऑफ इंटरेस्ट इनकम उसके रिलेशन में आपका कितना रिवर्सल बनता है, तो ये रूल 38 बात कर रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इनएलिजिबल डिटरमाइन करेंगे, इनएलिजिबल में भी परमानेंट क्या इनएलिजिबल है और टेम्पररी क्या इनएलिजिबल है। तो परमानेंट इनएलिजिबल हम जो कि आता है रूल 38, 42, 43 और 17(5) में, इसको हम लिखेंगे 4B1। और हम एक तरह से गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये जो 2B में क्रेडिट आ रहा है ये हमारे को कभी भी मिलने वाला नहीं है। लॉ की वजह से, लॉ में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि ये क्रेडिट आज के दिन नहीं, हमारे को आगे वाले दिनों में भी कभी नहीं मिलने वाला। तो इसको आप हमारे 2B में से एक तरह से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जी, यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है कि जितना भी हमारा ITC आएगा, तो पहले तो हमें टेबल ए में जो 4A है उसमें मैडम हमें सारा ले लेना है, सारा हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं करनी। हमारे को ये मानकर चलना है कि भाई जो 2B से आ रहा है उसे छेड़ेंगे नहीं, हमने सारा ITC उसमें ले लिया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप ये बता दो कि इसमें से तुम्हारे को कितना नहीं मिलना चाहिए। हाँ। और अगर जो नहीं मिलना चाहिए, एक टेम्परेरी होता है एक परमानेंट, तो परमानेंट वाला आपने बता दिया कि भाई अगर आप इन इन सेक्शनों में आते हो तो ये कभी मिलेगा ही नहीं। तो 29,000 में से लेट सपोज मेरा कोई 3,000 रुपए का इस तरह का ITC है, तो मैं जैसे यहाँ पर 3,000 डाल दूंगा तो नीचे अगर आप देखोगे तो मेरा आ जाएगा कि आपको मिलेगा ही 26,000। ये हो गया मेरा परमानेंट रिवर्सल कि भाई मैंने परमानेंट अपने ITC को रिवर्सल कर दिया क्योंकि मैं उन्हें एग्जेम्प्ट में यूज कर रहा था 17(5) में। एक होता है हमारा टेम्परेरी रिवर्सल, उसके बारे में मैडम प्लीज बताएं। टेम्परेरी रिवर्सल हो गया जैसे कि आप 16(2)(b) की कोई कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 16(2)(c) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 16(2)(b) क्या बात कर रहा है कि आपके पास गुड्स नहीं आए, 16(2)(c) क्या कर रहा है कि सप्लायर ने आपके इनवॉइस के रिलेशन में पेमेंट नहीं करी, या कोई ऐसा रिवर्सल है जो कि आपका 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं करी, आज आपने पेमेंट नहीं करी, आज आपको रिवर्स करना है, फ्यूचर डेट में आप पेमेंट कर देते हो, आप रिक्लेम कर लेना। तो ये सारी जितनी भी रिवर्सल हैं जो टेम्पररी नेचर की है, आज की डेट को नई छूट मिली हुई है, आपको लॉ रिस्ट्रेन कर रहा है क्योंकि आप कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, कर रहे हो, जिस दिन आप वो कंडीशन फुलफिल कर दोगे उस दिन आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट को कैसे बतानी है, वो अदर्स में लिख के बतानी है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल से कर लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज करते हैं मेरे को 31 दिसंबर को कोई माल चला, ठीक है ना, और वो मेरे को माल चला चेन्नई से, ठीक है, तो मेरे सप्लायर ने वो 31 दिसंबर में दिखा दिया, वो मेरे 2B में भी आ गया। अब कई लोग कहते हैं 2B में जितना आ गया सब क्लेम कर लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सेक्शन 16 का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सेक्शन 16 ये कहता है कि जब गुड्स आपके पास आएंगे तभी आप लोगे। तो मैं जब दिसंबर की 3B फाइल कर रहा हूं, मेरे 2B में वो वाला बिल आ रहा है, लेकिन मुझे वो ITC यहां पर अदर्स में रिवर्सल करना पड़ेगा। करेक्ट सर। दो चीजें हैं मैडम इसमें, एक ओपिनियन ये है कि हम यहाँ पर ऑल अदर ITC में से ही घटा दें, वो पहले हम कर रहे थे। हाँ। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसी बात को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए हैं और इसके साथ साथ सर्कुलर ये समझाते हुए बता रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, इससे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि SSC बताना क्या चाहता है, आप डिपार्टमेंट को क्या बताना चाहते हो, वो बताने के लिए उन्होंने इस फॉर्म को इस तरह से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर इस बात को समझना कि अगर कोई ITC आपके 2B में आ रहा है और आप सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2B से माइनस ना करें, आपका कहना ये है, और आप उस वाले ITC को टेम्परेरी रिवर्सल कर दें। हाँ जी, जब वो आपके गुड्स आपके आ जाए जनवरी में, ठीक है, अब आप जनवरी में एलिजिबल हो गए उस ITC को लेने के लिए, देन आप फिर रिक्लेम कर ले ऊपर जाकर ऑल अदर ITC में, यही कहना चाह रहे मैं। हाँ जी, मैं सर ने कंप्लीट कर दी स्टोरी, मैं स्टोरी को ही आगे बढ़ाती कि अब हम दिसंबर की रिटर्न यहीं पे फाइल कर देते हैं उसको माइनस करके और कम क्रेडिट को क्लेम करके, अब हम दिसंबर से जनवरी की तरफ बढ़ते तो पता चलता कि ये जो ITC हमारा हमने पहले रिवर्स कर दिया था वो अब हम एलिजिबल हो गए हैं। तो अब इसको हम गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे, गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि हम ये जो हम दिसंबर में एलिजिबल नहीं थे और हमने 4B2 में इसको माइनस किया था, अब हम क्लेम कर रहे हैं,
तो गवर्नमेंट के लिए एक तो हम 4A में इसको डाल देंगे, ऐड कर देंगे, जो ऑलरेडी प्री पॉपुलेटेड फिगर है उसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम गवर्नमेंट को ये प्री पॉपुलेटेड फिगर को हम हिला रहे हैं तो हम ये बात बताएंगे 4D1 में। और 4D1 की जो फिगर होगी, सपोज हम 5,000 रुपीज़ हमने रिवर्स किया था क्योंकि हमारा गुड्स आया नहीं था दिसंबर में। अब जनवरी में हम जो 4A5 का अमाउंट बढ़ा रहे हैं 5,000 रुपीज़ से, वही बात हम 4D1 में रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये 5,000 रुपीज़ हमने पहले हटा चुके और अब री ऐड कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन है, असेसी इस वजह से ITC को रिक्लेम कर रहा है जी। अब हम आते हैं टेबल 4 के लास्ट पार्ट पे और वो है 4D2। 4D2 को समझने के लिए हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट जब आपकी 2A प्रिपेयर करती है तो गवर्नमेंट ने उसमें एक कॉलम डाल रखा है वेदर ITC एलिजिबल, वेदर ITC अवेलेबल। इस कॉलम को गवर्नमेंट येस और नो करती है। गवर्नमेंट नो दो केसेस में करती है, या तो आप 16(4) की कंडीशन को उल्लंघन कर रहे हो, या प्लेस ऑफ सप्लाई, आपकी जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई है जिसपे आप इनपुट ले रहे हो और जो प्लेस ऑफ सप्लायर सप्लायर ने डाली है वो मैच नहीं कर रही। इसको हम उदाहरण से लेते हैं कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक मीटिंग करने के लिए मुंबई गए और मुंबई जाके आप एक होटल में रहे, होटल में जाके आपने अपना GSTIN जो कि दिल्ली का था वो मुंबई वाले होटल वाले को दे दिया, मुंबई वाले होटल वाले ने वो GSTIN चढ़ा के आपको आपके 2B में लोड कर दिया, आपके 2B में वो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आएगी, राइट। उस महाराष्ट्र सप्लाई का आप दिल्ली में बैठे क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आप उसका दिल्ली में बैठे क्रेडिट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने 2B में ही ऐसा करा है कि वो नो रिफ्लेक्ट करती है और जो ये 4A5 में जो फिगर रिफ्लेक्ट होती है ये नो वाले क्रेडिट को लिखती नहीं, दिखाती ही नहीं है, राइट। तो ये वाला जो क्रेडिट हट रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस की वजह से, और दूसरा कि आपकी टाइम लिमिट टू टेक द ITC हैज एक्सपायर्ड, मतलब 30 नवंबर तक का, आप फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप 30 नवंबर तक का ITC ले सकते, 30 नवंबर तक ITC ले सकते। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर आपका 30 नवंबर एक्सपायर हो गया है उसके बाद आप लेने बैठे हो तो उसको भी वो 2B में 4A5 में ऑटो पॉपुलेट करेगी ही नहीं। तो ये दोनों जो क्रेडिट हैं एज एन इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को बता सकते हो 4D में। 4D के जितने भी आप फिगर्स लिखोगे ये एज ए इंफॉर्मेशन है, ये कहीं भी आपके ITC में प्लस या माइनस नहीं करते, राइट। अब अगर मैं बात करूं, कंक्लूड करते हैं अगर हम इस वीडियो को, तो यहां पर इस चीज को आपको समझना है कि भाई जो आपको ITC 2B में आया उसे छेड़ना नहीं है, और अगर कोई ITC ऐसा है जो आपको रिवर्सल करना है जिसके लिए आप इनएलिजिबल हो तो वो 2B में अगर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर 4B में दिखाना है। कई बार क्वेश्चन मैडम ये आता है क्रेडिट नोट का ITC है, ठीक है, तो क्रेडिट नोट का जो ITC है उसमें लोगों को क्वेश्चन आता है कि वो हम ऑल अदर ITC में लेस करके दिखाएं या हम उसे अदर्स में जाकर रिवर्सल करें, तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो क्रेडिट नोट का ITC है ये हमें अदर्स में ही जाके रिवर्सल करना है क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था, हम माइनस करके भी दिखा देते तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जो है ब्रॉड इन्फॉर्मेशन ही जा रही थी तो गवर्नमेंट भी कह रहा था कोई नहीं, लेकिन तभी भी लॉ यही कह रहा था कि आप अदर्स में जाके रिवर्स करें। अब ऑटो पॉपुलेटेड में भी अगर आप देखेंगे तो वो अदर्स में ही माइनस होके आता है, ठीक। तो इसका मतलब आप ये समझिए, अगर मेरे को कोई ITC लेना है, सामने सप्लायर ने बिल डाला है वो मेरे 4A5 में आएगा, और अगर मेरे सप्लायर ने क्रेडिट नोट डाला है वो 4A5 से माइनस नहीं होगा, वो अदर्स में ही आएगा। तो अगर आपका सप्लायर नहीं डाल रहा है क्रेडिट नोट एंड यू वॉन्ट टू रिवर्स क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरी परचेज रिटर्न है, तो देन आप यहाँ पर अदर्स में ही रिवर्स करें। और भी कोई भी रिवर्सल आपको करना है जो आपने पहले, सपोज आपको आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया, आपको पता नहीं था कि गाड़ी के ऊपर जो इंश्योरेंस
मैंने दी है उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ या नहीं? आपने जिस टाइम आपने रिटर्न भरी आपने क्लेम कर लिया, आगे के दिनों में आपने जाके किसी सीए से पूछा और सीए ने कहा नहीं जी आप तो ये ले ही नहीं सकते थे, आज के दिन में आपको उसको रिवर्स कर दीजिए और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है वो गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो आज आप आके उसको रिवर्स कर रहे हो, तो आज आप आके रिवर्स कर रहे हो तो भी आप 4B2 में 17.5 अगर आ गया तो हमारा 17.5 आ गया ना, तो परमानेंट रिवर्सल हो गया, आप 4B1 में आप इसको। अच्छा मैडम एक क्वेश्चन और होता है, मेरा ITC था लेट्स सपोज 50,000 और मैंने गलती से 70,000 का ITC ले लिया, ऐसा भी कई बार होता है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैंने ITC ले लिया, 50 की जगह 70 ले लिया, अब मैं उसे रिवर्सल करना चाहता हूँ बाय वे ऑफ 3B, ठीक है? अब वो मेरा कोई ऐसा रिवर्सल नहीं है कि जो टेम्परेरी है, वो मेरा एक तरीके से परमानेंट रिवर्सल है, मैंने गलती से ज्यादा ले लिया, तो उस आईटी के रिवर्सल के लिए मैं क्या करूं? मैं 4A5 में, ठीक है, जो मेरा ITC आ रहा है उसमें से लेस करके दिखाऊं या मैं B2 में डालूं? आप B2 में डालिए क्योंकि लेकिन B2 तो अभी आपने बताया टेम्परेरी रिवर्सल है, टेम्परेरी बी है, लेकिन 4B1 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 4B1 क्या कह रहा है कि जो आपका परमानेंट है और स्पेसिफिकली वो बता रहा है इन रूल्स और सेक्शन के अंदर आ रहा है उसी को ही आप रिवर्स करिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो 4B3 का पार्ट 4 है वो गवर्नमेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके से भरवा रही है। तो अगर आप और भी चीज़ें 4B1 में डाल देंगे जो कि ऑलरो परमानेंट है लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आता, रूल 42-43 में नहीं आता, रूल 38 में नहीं आता, 17(5) में नहीं आता, तो आप गवर्नमेंट को एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट राइट, तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको, उसको अदर्स में ही जाके अदर्स में मैं बोल सकता हूँ कि परमानेंट रिवर्सल भी है और टेम्परेरी भी है, परमानेंट वो है जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा मैडम एक कन्फ्यूजन मेरा और है, यहाँ पर जब आप कहते हो कि 4D अदर्स में एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाली रेस्ट्रिक्शंस जाती है वो क्लियर है, एक 16(4) वाली रेस्ट्रिक्शंस जाती है। अब ये जो 16(4) की रेस्ट्रिक्शंस है वो तो रिसिपिएंट के एंगल से होती है, तो यहाँ पर लेकिन जब गवर्नमेंट ने जो 2B में लगाया हुआ है सिस्टम, गवर्नमेंट क्या सिस्टम लगाती है, वो कहती है कि अगर आपके सप्लायर ने 21-22 की कोई सप्लाई नवंबर के बाद दिखाई तो मैं उसे इनएलिजिबल में डालूंगा 16(4) में, जबकि वो वाला ITC में अपने टाइम पीरियड में क्लेम कर चुका हूं। तो यहां पर ये गवर्नमेंट को क्या 16(4) की क्लियरिटी नहीं देनी चाहिए कि ये रिसिपिएंट के एंगल से लगा रही है या ये सप्लायर के एंगल से लगा रही है? सर उनके हाथ में तो सप्लायर का ही चार्ट है, तो वो रिसिपिएंट को वो मान रही है कि रेसिपिएंट ने वही क्रेडिट लिया होगा जो मैं 2A या 2B में आज तक दिखाता आया हूँ। राइट, इस हिसाब से उसने अपना प्रक्रिया चलाया है। जो ये 2B की रिस्ट्रिक्शन है ये 1 जनवरी 2022 से आई थी, इसके पहले 2A के साथ उन्होंने 36(4) लगा के रिस्ट्रिक्शन करी थी। राइट, जिसकी वैलिडिटी कोर्ट्स में चैलेंज हो रही है। राइट, जो अब 1 जनवरी से स्टार्ट करें तो जुलाई में ये 3B का रिवर्सल लेके आए और ये सारी जो कहानी है और 2B भी इन्होंने तो कुल मिला के 16(4) पे जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो गलत तो नहीं है, एक सेकंड ओपिनियन आप इसे कह सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 16(4) की बात आप या नहीं कर सकते, 16(4) की बात रिसिपिएंट के एंगल से होती है तो आप उसे रिसिपिएंट के एंगल तक ही रखिए। सप्लायर ने अपनी GSTR1 कब डाली मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर मैं उस ITC को पहले क्लेम कर चुका तो आप मेरे ऊपर 16(4) नहीं लगा सकते, हालांकि मैं एलिजिबल नहीं था उसे क्लेम करने के लिए क्योंकि मेरे 2B में नहीं आ रहा था, 36(4) में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैंने क्लेम कर लिया तो आप 16(4) मेरे पे नहीं लगा सकते। मेरा पॉइंट यहाँ पर ऐसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताना। अच्छा मैडम इसमें क्या बजट में कोई चेंजेज आने की या इन फ्यूचर 3B में चेंजेज आने की कुछ उम्मीद है क्या? सर एक कंसेप्ट पेपर है जी जी जो कि अभी रिकमेंडेशंस हमने पढ़ी है जो कि स्टेक होल्डर से मांगी गई है। राइट, इसके अंदर जैसे ही अभी हमने बात करी कि हम जनवरी के महीने में दिसंबर में अगर हमने इनएलिजिबल था क्योंकि हम कोई कंडीशन वॉयलेट कर रहे थे, अब जनवरी में आके हम उस कंडीशन का पालन करते हैं तो हम उसको ले सकते हैं
और हम ये जो ले रहे हैं वो हम 4A5 में रिपोर्ट करते हैं अपने मैनुअली कॉलम को चेंज करके। जैसे ही हम मैनुअली कॉलम को चेंज करते हैं, कॉलम जो बन जाता है रेड बन जाता है, रेड फ्लैग हो जाता है कि भाई हमने जो ऑलरेडी प्री इंपोर्ट किया था उससे आप डिविएट कर रहे हो। इस प्रोविजन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने अब रिकमेंडेशन अपने असेसीज से मांगी है और सारे स्टेक होल्डर से मांगी है, और आने वाले समय में जो फॉर्म है वो इस तरह से दिखेगा जिसमें 4A5 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 4A6 इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 4A6 अगर हम पढ़ें तो वो क्या कहता है, ITC विच वॉज रिवर्स इन 4B4A इन अर्लियर टैक्स पीरियड। मतलब है कि जो हमारा अब इन्होंने इसके कॉलम वर्डिंग्स चेंज कर दिए हैं तो ये हम 4B उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि आगे के समय में ये रेड फ्लैग भी नहीं आएगा और अलग अलग कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे जिसमें कि हम अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या ITC हम रिक्लेम कर रहे हैं। ओके, तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि GST जो है चेंजेज हो रहे हैं। तो ये चेंजेज आपको बता दिया, 3B फाइल करने से पहले देख लेना, और जितने भी ये चेंजेज होंगे तो हमने क्या कर रखा है ना मैडम, वेबिनार की सीरीज बना रखी है। जैसे हमारा अभी बजट के ऊपर भी सेशन होगा, सारी चीज़ों पर हमने सेशन करा है, और बजट पर मैडम हमने आप ही को बुलाया है कि आप डिटेल एनालिसिस करें, और इनकम टैक्स में अभिषेक जैन जी को, तो बजट का सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। अभी हमारा जिम कॉर्बेट का टूर है, आप उसे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी हमारा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा एक और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या प्रोफेशनल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसका भी सेशन है। तो अगर आप ये सारे पूरे साल के सेशन अटेंड करने चाहते हैं तो आप हमारी ग्रूमिंग जेम्स फाउंडेशन जो एक सेक्शन 8 कंपनी है उसमें आर्थिक सहयोग देकर आप उसके मेंबर बन सकते हैं और ये सारे वेबिनार्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम ROC के वेबिनार्स भी कराते हैं, तरह तरह के टूर भी कराते हैं, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और हम बड़े बड़े स्पीकर्स को कोशिश कर रहे हैं लेकर आए। तो मैडम हम एक बार फिर से KJ क्लासेस के सब्सक्राइबर के बिहाफ पे आपका थैंक यू करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए यूट्यूब वीडियो बनाया और बजट के सेशन के लिए भी हाँ करा। तो मैडम इसमें कुछ और आप एड ऑन करना चाहें या हम इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं? ये है कि ये जो नोटिफिकेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये जुलाई में आ चुका है, अभी भी बहुत सारे अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो साल के अंत तक आते आते आपके आप गवर्नमेंट के एक तरह से स्क्रूटिनी लेंस में आ सकते हैं। आप जल्द से जल्द वीडियो देखें, इसको चीज़ों को समझें, फॉलो करिए। गवर्नमेंट बहुत सतर्क होती जा रही है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास काफ़ी है, और गवर्नमेंट एनालिटिक्स लगा के पिन पॉइंटेड कल्प्रेट को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आप प्लीज़ स्टे अलर्ट, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।